मेरे बॉस रहे है गया, चीफ सेक्रेटरी रहे है गया, हमेशा उन्होंने तो गाइडेंस ली है कि पूरे कैरियर च बल्ली जी, चांदपुरी जी, सब तो पहला तो मैं सोता साहब नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। ये जो चेजिंग डिग्निटी नॉवल है, मुल्कराज आनंद का एक नॉवल सी अनटचेबल, उस तो बाद ये पहली फिक्शन जिहड़ी है अंग्रेजी दे विच पंजाब दे लोकां नूं और साडे सिस्टम दे उत्ते वेखण नूं मिली है, पढ़न नूं मिली। नॉन दलित वालों वह भी नॉन दलित सी, भी नॉन दलित जी। सो बहुत बहुत मुबारकबाद, ना सिर्फ पंजाब दे विच बल्कि देश विदेश दे विच ये जदों नॉवल पढ़िया जाएगा तो पंजाब की जिहड़ी पिक्चर है वो लोगों को देखने को मिलेगी। तो पंजाब असी सुभागे हैं कि असी उस भारत के खिते विच पैदा होए जिथे सानू सिख गुरु साहबान की शो प्राप्त हुई, उन्हां दी गुरबाणी दे राही सानू सेध मिली और जिहड़ा डंक है कास्ट सिस्टम का वह सानू उन्ना सहन नू नहीं मिलिया जिन्ना कि साढ़े भारत के दूजे खित्तियां दे विच एरिए दे विच ये वेखण नू सुणन नू सहन नू मिलिया लोकां नू। सो इस करके आपां हरविंदर सिंह जी ने गल कीती है कि इस्लाम की भी की है, सिख धर्म की भी की है, कि कंपलैक्स सिस्टम है कास्ट सिस्टम का। मैं बुले शाह जो आप काफ़िया पढ़ते हैं जो उन्होंने अपना एक अराई लो कास्ट मुस्लिम अपना गुरु बना लिया तो वो उन्होंने आप ही किया बुले नूं समझावन आईया भैं तो भरजाइया तू क्यों बुलिया सैयद होके कुल नूं लीकां लाइया। तो सैयद उन्होंने उच्ची जात मनी जाती है, अराई माली है छोटी जात मनी जाती है। इस तरह सिख धर्म के भी असी सानू गुरु साहबान ने बड़ा समझाया, बड़ा उन्होंने सानू सेध दी, मार्गदर्शन किया, पर फिर भी असी समझे नहीं है, गुरुआ नू मनते नहीं है, गुरबाणी नू मनते नहीं है, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, खंड पाठ खोलते हैं, लेकिन खोल के पासे फिर उस तरह रख दें। लेकिन कास्ट सिस्टम का जिहड़ा डंक है इनू समझना ते इनू दूर करना साड़ी भी इस समय के अंदर साड़ी भी एक भूमिका है, साड़ी भी एक जिम्मेवारी बनती है जिहदे विच असी अपना रोल प्ले करना बहुत जरूरी हैगा है। सो अपना मैं एक दो गल्लां करके सोता जी नूं बधाई देंगा कि बाबा फरीद जी 12वीं सदी च होए आ, उन्होंने कहा फरीद दा बार पराए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू इवें रखसी जियो शरीरो ले। वह समा सीगा 12वीं सदी का, बाबा फरीद जी कहिंदे पहले पंजाबी कवि होए आ जिन्हां ने अपना जो बाणी लिखी है वह गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। तो ये उन्होंने श्लोक क्यों लिखिया, क्योंकि उस समय का जिहड़ा मोची सीगा वह जो जुत्ती बनांदा सी गंढदा सीगा तां वह जिहड़े हाई कास्ट लोग सी उन्हां दे घर दे बाहर रख दिंदा सीगा, उन्हां नूं नौक करन दा वी अधिकार नहीं सीगा कि वह खड़का के दरवाजा तो अपना उन्होंने कहे कि जी मैनू कोई तुसीं अपना जिहड़ा इहदा मेहनताना आ दे दिओ। तां वह बाबा फरीद ने जदों उन्होंने ऑबजर्व किया कि सिस्टम की हो रहा हैगा तो उन्होंने ये श्लोक उचारिया, फरीदा बार पराए किसी बार दे किसी होर दे बूहे दे बाहर बैठना मैनू ना आया, ईश्वर दे जे इदा ही रखना तो बैटर हैगा कि तू मेरी जिंदगी लै लै। सो जदों चेजिंग दा अपना चेजिंग ऑफ चेजिंग डिग्निटी का जिहड़ा मसला हैगा आ, यह सेम चीज़ है कि अपना हर कोई इंसान जिहड़ा इस धरती ते आया वो अपना डिग्निफाइड लाइफ चाहता हैगा। डिग्निफाइड लाइफ के वास्ते बाबा साहब अंबेडकर ने जो किया आपां बहुतियां नूं पता हैगा, बहुतियां नूं नहीं भी पता हैगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने की कहा कि जिहड़ा कास्ट सिस्टम है इहदे विच साडा समाज उस वेले 6 करोड़ सीगा, साडी दुश्मन है, कौन दुश्मन है साडा, उन्होंने कहा कि साडी दुश्मनी ना किसी जाति विशेष नाल है, ना किसी विशेष वर्ग नाल है, ना किसी धर्म नाल है, ना किसी इंसान नाल है, साडी दुश्मनी जाति असमानता नाल है, वर्ण व्यवस्था नाल है, अंधविश्वास अते पखंड नाल है, जो इसनू सब नू मानदा आ जां वधाउंदा आ उस नाल है। सो इस करके ये जिहड़ी अपनी अज खूबसूरत आपां भारतवर्ष का सुपना लै रहे हैगे आ, इहदे विच अपना सारयां दा रोल है कि आपां इहदे विच अपना की योगदान पा रहे हैं। सो मैं सोता जी नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा हां।
कि इन्होंने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया हैगा। एक साडा पंजाब का जिहड़ा कल्चर हैगा कि आपां थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल थानेदारी बहुत करते हैं, पढ़ते घट हैं, भावें वह अंग्रेजी विच तां बिल्कुल घट पढ़ते हैं। सो इस करके एक अमुल कंट्रीब्यूशन है सोता जी की, जिहदे वास्ते जिवें रमेश चंद्र सिंह जी की भी किताब आई है, आपां लोकी वध तों वध पढ़िए, पढ़ के अपने परिवार के विच भी उन्होंने कहीए कि पढ़न, क्योंकि जिहड़ा पढ़ाई है, जिहड़ा ज्ञान है, ज्ञान शेरनी का दुध है, जो पींदा है सो दहाड़दा है। बहुत बहुत शुक्रिया।